देखिए, वाह, पूरी बर्फ का जो झरना है ना वो जमा हुआ है और यहाँ पे पानी भी गिर रहा है। देखिए, ओ भाई साहब, इतने खराब रास्ते कैसे हो सकते हैं इतनी खूबसूरत जगहों के। रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है। दो गाड़ियाँ तो आमने सामने से यहाँ पे किसी भी कीमत पे नहीं एक साथ जा सकती। वाटर क्रॉसिंग ना मिले भाई रात के टाइम पे, वाटर क्रॉसिंग नहीं करनी अभी अपने को। ये एडवेंचर चाहे कल मिल जाए पर अभी नहीं करना मुझे। गूगल मैप्स में ये वाला जो नया वाला जो रास्ता है ना, ये अपडेटेड नहीं है, कुछ भी नहीं है यार, बिल्कुल एकदम सुनसान सी जगह है। बस चलते जाओ चलते जाओ, और कुछ है ही नहीं यार। ये तो बहुत नीचे जा रहा है इसकी। अबे ये सही रास्ता भी है, इस पे लोग चढ़ते। ओह फक फक फक, रात के टाइम पे ना ये एडवेंचर अपने को बिल्कुल भी नहीं पसंद। बिना देखे रास्ते ना, पता ही नहीं कौन सा रास्ता कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे है, क्या है क्या नहीं है, कब ऊंचाई आ रही है कब नीचे आ रही है। ये सब रास्ते हैं, बनाते क्यों नहीं हो भाई इनको। जंस्कार वैली पता चल रहा है भाई, खतरनाक है। देखो जी, अंधेरा ऑलमोस्ट होने वाला है, बस मुझे अच्छे रास्ते की वेट है। क्या यहाँ से अच्छे रास्ते की शुरुआत है? रात का टाइम है, रात के टाइम पे आई वांट नो एडवेंचर भाई, नो एडवेंचर। पर मेरे को लग रहा है ये दोबारा से लेके जा रहा है यार खतरनाक रास्ते की तरफ। ये चेक पॉइंट है और यहाँ पे एंट्री करनी है। एंट्री करनी है। कौन सी जगह है ये, कौन सी जगह है? इस जगह का नाम क्या है? जमथंग। आगे रास्ता अच्छा है मेरे को दारचा, पर अभी मैं कहीं रुकूंगा जहाँ पे अंधेरे से पहले। हाँ ठीक है, ओके थैंक यू। बड़ा बना रहा है। हाँ हाँ, इससे खराब तो नहीं होगा ना? अरे खराब, ये तो रोड ही नहीं है यहाँ पे तो। अच्छा, ठीक है। सो जी, लोकल भैया लोग मिले, इनको भी मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बता दी है। पूछ रहे थे क्या स्टेटस है, तो मैंने बता दिया कि जो मैं पीछे से करके आया हूँ उससे ज़्यादा तो डिफ़िकल्ट नहीं होगा ना। और यहाँ पे देखिए, पदुम के लिए, पदुम दारचा, पदुम उधर है, पदुम और दारचा भी इधर। अच्छा ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं, आगे से किसी से ना पूछ लेता हूँ। सो जी, यहाँ पे जो इन्होंने नाम बताया था ना, मैं भूल गया, लिंक शेड नहीं, पता नहीं क्या नाम बताया। जो भी ये नाम बताया एक बार स्क्रीन पे डाल दूंगा। यहाँ तक ना पूरा रास्ता ख़राब है, चिलिंग के 10 किलोमीटर बाद से यहाँ तक पूरा का पूरा रास्ता डैमेज है। सो अभी फ़िलहाल के लिए देखता हूँ आगे, शायद ना मुझे कुछ दिख रहा है। आई डोंट नो यार, यहाँ जाना है कि वहाँ जाना है, एक बार सिग्नल आ जाए तो यार पता भी चले। यहाँ का ऑफलाइन मैप नहीं डाउनलोड किया था यार मैंने, हानले का किया हुआ था। आई थिंक यहीं से ही जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि जंस्कार रिवर, तो चलो यहीं चलता हूँ। बोर्ड भी तो नहीं लगा रखा ना इन्होंने यार। देखो निराक, ये लिखा हुआ निराक, 8 किलोमीटर दूर है। हद है यार, टाइम हो गया शाम के 6:30। आई डोंट नो कि क्या करना चाहिए। ये देखो रास्ता, ये जो ब्रिज है ना, इसके बीच में से जंस्कार रिवर जा रही है, अपने को लेना है राइट। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, निराक 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 निराक, अब बस लूँगा निराक, विराट का भाई निराक। हाँ अब ऐसे याद होगा। ओहो, जंस्कार रिवर के ऊपर से हम से क्रॉस करते हुए, वाह 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 वाह, क्या बात है। देखते हैं, या तो मैं सोच रहा हूँ निराक में ही ना रुक जाऊँ आज, एक बार ना निराक पहुँच के वहाँ के लोकल से पूछता हूँ रास्ता कैसा है और क्या मैं पदम पहुँच पाऊँगा आज। अगर पदम पहुँच पाऊँगा तो फिर यहाँ से डायरेक्ट पदम ही चलेंगे, अदरवाइज़ नहीं तो निराक में रुक जाएंगे। मेन कंसर्न ना मेरा ये है कि रास्ते ना देखे नहीं हुए, और रात के टाइम पे ना मैं अननोन रास्तों पे चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, 0.1% भी चलना पसंद नहीं करता। चलो जी, चल रहे हैं टुवार्ड्स निराक, जिसका डिस्टेंस यहाँ से 8 किलोमीटर है। निराक पहुँचते हैं और निराक के बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, दैट इज़ पदम। रोड ऐसी अच्छी मिलेगी ना तो कोई इशू नहीं है। भैया ये पदम, पदम का रास्ता यही जा रहा है? पदम पदम तो उधर उधर किधर? नीचे
नीचे से उधर वाली साइड पे जाके इधर से तो है रास्ता यहाँ पे बोला है पदम यहाँ पे लिखा हुआ है कितना दूर है अच्छा अच्छा बोर्ड लगा हुआ है अच्छा 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 ठीक है थैंक यू। एक तो रात का टाइम होता जा रहा है और ऊपर से उसके साथ साथ ठंड भी बढ़ती जा रही है। सामने के पहाड़ देखिए यार आप, बस और तो कुछ नहीं है। आई थिंक ये वाला रास्ता बता रहे पदम के लिए, हाँ आई थिंक ये वाला है और वो कह रहे बोर्ड भी लगा हुआ है, यही है क्या? आई थिंक यही वाला जा रहा है पदम के लिए और यही निराग के लिए जाएगा। पहले निराग आएगा उसके बाद पदम आएगा। मुझे लग रहा है निराग में ही रुक जाना चाहिए आज। आई डोंट थिंक कि कहीं और जाना चाहिए। अब यहाँ से जाऊँ यहाँ ना बोले कि नहीं ये वाला रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता है। चॉपसी हो जाएगी मेरी बार बार चॉपसी। ओहो यार भैया पदम के लिए रास्ता कौन सा है? ये नया वाला जो है बना है ना, और ये पदम कितना दूर है यहाँ से? 70 तो कितना देर लगेगा बाइक से? 2.5-3 घंटे बाइक से लगेगा। और रास्ता कैसा है? खराब रास्ता है। आगे निराग गांव है, तो रहने के लिए आगे कुछ मिलेगा अभी? तो पदम ही जाना चाहिए, मतलब 35 किलोमीटर खराब है उसके बाद अच्छा है। अभी फिलहाल मैं चला जाऊँ ना यही वाला ना पदम के लिए, पदम में ठीक है। ओके थैंक यू भैया। सोजी बता रहे हैं ये तो 30-35 किलोमीटर रास्ता ना खराब है, मतलब ऐसा ही है रास्ता खराब। सो गाइज अपडेट ना लगातार लेते रहिए, आप पूरी वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि अगर वीडियो नहीं देखोगे ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। गूगल मैप्स में ये वाला जो नया वाला जो रास्ता है ना, ये अपडेटेड नहीं है। सो मेक श्योर कि आप आई एम कोहली की पूरी वीडियो देखें और उससे सीखें और अपने हिसाब से अच्छे अच्छे से जाए और आए। सो जी अपडेट याद रखना, ध्यान से आना है आपको। जो बोला जो चेक पॉइंट है वहाँ से सीधा आना है, सीधा आने के बाद आप थोड़ा सा पक्के रास्ते पे आओगे, उसके बाद दो रास्ते जाएंगे, एक नीचे ये वाले कच्चे रास्ते पे जाएगा, एक ऊपर की तरफ जाएगा। तो धोखा मत खाना, ऊपर की तरफ मत जाना, ये कच्चे वाले रास्ते पे ही आपको अभी ओर चल रहा है। भाई ये तो ख़राब रास्ता है भाई, ये तो बहुत छोटा रास्ता है। पैंतीस 40 किलोमीटर खराब रास्ता बता रहे थे वो भैया, कि भैया थोड़ा ख़राब है एंड देन उसके बाद बढ़िया रास्ता है, उसके बाद तो आप साएं साएं करके पदम पहुंच जाओगे। सो चलो जी, ये ख़राब रास्ते से जूझते हुए आपका भाई चल रहा है टुवार्ड्स पदम। वो भाई कितना बड़ा पत्थर यहाँ पे नीचे आके गिरा हुआ है, प्रभु ऐसे मत गिरा करो यार। और रात के टाइम ना चलने का ना सबसे बड़ा मेरा रीज़न ये भी है, क्योंकि वहाँ पे BRO वाले भाई से जब 4-5 घंटे बात कर रहा ना, उन्होंने बताया था कि रात के टाइम पे ना पत्थर गिर जाते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। हाँ यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पदम 72, दारचा 216 और मनाली 316। वाह 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 वाह, थैंक यू BRO आपने यहाँ पे लगा रखा है यार, एक पीछे भी लगा दो ना। और दोबारा से मैं गुजरता हुआ जा रहा हूँ जंस्कार रिवर के ऊपर से। थैंक यू BRO थैंक यू ये वाला बोर्ड लगाने के लिए। आगे रास्ता भाई छोटा और ख़राब है, गलती हो गई यार, 6:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। बस ये ख़राब वाला पैच जो है ना जल्दी से क्लियर हो, ताकि अच्छे वाले रास्ते से ना मैं थोड़ा अंधेरे में चला सकूं, क्योंकि अब मैं ना स्ट्रैंगल्ड हो गया हूं बीच में। अब ना मैं पीछे का हूं ना मैं आगे का हूं, अब मुझे पदम जाना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पे पड़े, चाहे कैसे भी करना पड़े अपने को जाना, पदम है तो अब जाना पड़ेगा। सो आपका आई एम कोहली भाई आपका जूझते हुए दोबारा से ख़राब रास्तों के ऊपर से चलते हुए, और अब इस बार ना कोई मेरे आगे है ना कोई मेरे पीछे है, अब आपका भाई अकेला ही चलेगा। सो जय माता दी, रक्षा करना हर पल हर समय। जैसा अभी तक आपने मेरी रोड ट्रिप सक्सेसफुल कराई है, वैसे ही बिना किसी दिक्कत बिना परेशानी के हम लोग पहुँचे। तो रास्ते की हालत ना वैसे ही दोबारा से ख़राब हो गई है, ये देखो ऊपर जो है ना कैसे पहाड़ों की चोंच निकली हुई है, उसको काट के रास्ता बनाया गया है, ये देखो। ओ भाई क्लिफ हैंगर सेक्शन, ये तो वैसे ही ख़राब है जैसे ख़राब रास्ते से मैं अभी आया हूँ। मुझे लगा था यार अच्छा रास्ता, उन्होंने तो बोला सर अच्छा रास्ता होगा, ये कौन सा अच्छा रास्ता है भाई, ये तो उतना ही दुर्लभ और उतना ही ख़राब रास्ता है। ओ यार अंधेरा होता जा रहा है ना,
बस जल्दी से 35 किलोमीटर कवर करूँ, क्योंकि 35 किलोमीटर कवर करने में मुझे कम से कम लग जाएगा ऐसे वाले रास्ते पे एक घंटा, और एक घंटा कवर करने के लिए मतलब 7:30, 7:30 का मतलब अंधेरा, अंधेरा का मतलब खतरा, खतरे का मतलब फटलिस। तो जी ओहो, क्लिफ हैंगर सेक्शंस के नीचे से गुजरता हुआ आपका भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलते रहेंगे ऐसी माता का नाम लेते, जय माता दी। यहाँ पे अभी इतनी ठंडी नहीं लग रही है, या फिर मैंने ग्लव्स व्लव्स डाल लिए और जैकेट की चेन वेन बंद कर लिए शायद उस वजह से, पर यहाँ से मुझे देखने के लिए मिल रही है, मेरे सर के ऊपर क्लिफ हैंगर सेक्शंस चल रहे हैं तो बढ़िया से देखने के लिए मिले, जो कि पीछे अभी तक नहीं दिखाई दिए थे। ओहो आगे ये तो पूरा ही सेक्शन ही क्लिफ हैंगर वाला है भाई, यहाँ तो क्लिफ हैंगर है भाई, और लेफ्ट हैंड साइड पर अपनी वही जंस्कार रिवर। सो गाइस एक चीज़ याद रखना कि जंस्कार रिवर को आपने नहीं छोड़ना, सबसे सिंपल जो लॉजिक है ना आपको पहुंचने का पदम ये नए वाले रास्ते से, कि आपको ना जंस्कार रिवर का साथ नहीं छोड़ना, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लगातार जंस्कार रिवर चलती रहनी चाहिए, अगर वो चल रही है तो आप सही रास्ते पे हो, जहां पे आपने उसको छोड़ दिया आप सोचो आप गलत रास्ते पे चले गए हो। सबसे पहले ये खराब वाला रास्ता क्लियर हो तब जाके मज़ा आएगा, साले डराते हैं ना, ऐसा लगता है कि कभी भी गिर जाएगा पत्थर। आई होप आपको दिख रहे होंगे क्लिफ हैंगर्स सारे के सारे, और मैं कैसे निकल रहा हूँ ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा मन तो कर रहा है भाई एक बार रुक के ना गोप्रो की रिकॉर्डिंग चेक करूँ कि आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही, मैं बस ऊपर वाले से माता से और गोप्रो से दुआ कर रहा हूँ कि भाई आवाज़ रिकॉर्ड हो रही हो, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा हो, क्योंकि ये ना ये कुछ ऐसी वीडियोज़ है जो मेरी जीवन की सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ होने वाली है, और शायद हो सकता है लाइफ चेंजिंग भी वीडियो हो जाए यूट्यूब पे। सो इसलिए यार रिकॉर्डिंग हो रही हो, सारी रिकॉर्डिंग हो रही हो, एक एक बात रिकॉर्डिंग हो रही हो, ताकि मैं आप जैसे भाइयों की मदद कर सकूं, कि आप जब दारचा ले हाईवे से आए या फिर ले दारचा जाए तो आप मेरी वीडियो देख के एक गाइड की तरह यूज़ कर सके। ये वाली वीडियो को भी रॉय रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से ख़राब रास्ते है ना, और वो पहाड़ देखो होए, उसकी चट्टान का कलर देखो कितना डिफरेंट है, अभी दिखेगा वो देखो, दूसरे वाले भूरे हैं और वो बहुत ज़्यादा हाँ डार्क है। पता नहीं यार कौन कह रहा था कि नहीं नहीं सर उसके बाद तो आगे अच्छा रास्ता है, कहाँ अच्छा रास्ता है भाई, ये तो वैसा ही रास्ता है, बस यहाँ पे है, यहाँ बीआरओ ने अभी काम नहीं कर रहे हैं, रास्ता नहीं रोका हुआ, अदरवाइज़ रास्ता तो उतना ही ख़राब है, और उसके साथ साथ वाटर क्रॉसिंग्स भी है छोटी छोटी, तो रास्ता तो अच्छा नहीं है। अगर कोई बोलेगा ना मुझसे पूछेगा कि भाई आगे रास्ता अच्छा है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं, रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ गाइस जब भी किसी जगह पे जाओ तो उस जगह की इन्फॉर्मेशन ना वीडियोस देख के या किसी बंदे से जो ऑलरेडी जा चुका है ना उससे पूछ के तभी जाया करो, क्योंकि मैंने ना कई लोगों को देखा है कि वो ना ऐसे ही आ जाते हैं ले, एंड देन उनके बाद ना उनको पता नहीं होता कि क्या करना है कैसे करना है, और मतलब कर तो लेते ही हैं पर बहुत सारी चीज़ें वो मिस कर जाते हैं। इसलिए ना YouTube वीडियोस देखा करो दूसरों की, उनसे सीखा करो, उनसे समझा करो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहाँ पे गए हैं, उसी हिसाब से आप भी जाया करो, तो आपको बढ़िया रोड ट्रिप मिलेगी। ये राइट हैंड साइड पे ना सारी की सारी स्नो है, ये बर्फ़ जमी हुई है, और इसी में से पानी पिघल पिघल के ना यहाँ रोड की साइड पे आ रहा है, ये सारी की सारी स्नो है भाई, ये देखो ये सारी स्नो ही है, और इस पे इतनी ज़्यादा मिट्टी जमी हुई है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्नो है कि वो है पहाड़ है। ये देखो पूरी की पूरी स्नो है, ये पड़ गया एक और ब्रिज, इसको आप क्रॉस करके जंस्कार रिवर हमारे राइट साइड पे आ जाएगी। खेल चल रहा है बहुत तगड़े वाला, कभी जंस्कार रिवर हमारे राइट पे आ रही है, कभी जंस्कार हमारे लेफ्ट पे चल रही है, पर हाँ अगर आपको नए रास्ते से ले से दारचा जाना है या दारचा से ले आना है तो भाई जंस्कार रिवर को मत छोड़ना, वो जो संगम होता है ना उसके बाद से आपको जंस्कार रिवर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये अपडेट याद रखना। चलो जी चलो जल्दी जल्दी हंसते हंसाते हुए ऐसे उजाले उजाले में बस मैं पदम पहुंच जाऊं यार। यार एक्चुअली कोई आगे पीछे भी नहीं है ना, दिक्कत वो भी चीज़ है, अगर रोड चलता फिरता होता फिर तो कोई इशू नहीं है, और पेट्रोल के 2 बार ख़त्म हो चुके हैं भाई 6 में से, आई डोंट नो कितना पेट्रोल बचा है। हालांकि पदम या जंस्कार में पेट्रोल पंप है शायद एज़ पर माई इंफॉर्मेशन जो मैंने लोकल भाई लोगों से ली थी, बट स्टिल अपने को चेक करना होगा वो। Enjoy the beauty of Zanskar Valley and drive slow. Thank you sir. मैं वैसे भी Zanskar Valley को बहुत देर से enjoy कर रहा हूँ, and I loved it. Truly, I loved it. ये left hand side पे जो है ना
ये ना कभी ना वाटर क्रॉसिंग होती होगी, यहाँ पे ब्रिज बना के ना इन्होंने क्या किया है, अब हम जैसे लोगों के लिए आसानी कर दी है कि आप आराम से जाओ, नो वाटर क्रॉसिंग। देखो वाटर क्रॉसिंग अहेड वहाँ लिखा हुआ था ना पीछे, तो दैट इज़ वॉट इट वॉज। क्या लगी घड़ करके आवाज़ आई है पत्थर की। टाइम हो गया 6:54, 6:54 मतलब 7 बजने वाले हैं। गलत टाइम पे गलत जगह, गलत टाइम पे गलत जगह, सिग्नल भी जा चुकी है अब तो। वीडियो को पसंद आ रही हो ना तो लाइक और कमेंट ना करते रहना भाई लोगों, वेट मत करना किसी भी चीज़ की, और सब्सक्राइब तो मुझे पता है आप लोग करके ही जाओगे, और सब्सक्राइब करें बिना तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मुझे उम्मीदें हैं आपसे, क्योंकि ये सब खतरनाक चीज़ें ना आपका भाई दिखा रहा है ना, अगर आपका सपोर्ट रहा ना तो आगे और भी इससे खतरनाक खतरनाक जो रोड ट्रिप है ना हम लोग करेंगे पक्की से, पक्के आप पर प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको। चलो लो भाई, क्लिफ हैंगर सेक्शन जो पहले वहाँ पे थे अब यहाँ वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली पे आ गए। रास्ते बहुत छोटे हैं संस्कार वैली के, बहुत छोटे रास्ते हैं, मतलब एक गाड़ी अगर वहाँ से आ गई ना तो निकलना एक साथ बहुत मुश्किल है, इसीलिए आराम आराम से चलेंगे यहाँ पे, और सामने से कोई गाड़ी आएगी तो देखना पड़ेगा फिर। आए हो, भैया ने बोला है कि 30-35 किलोमीटर का रास्ता ख़राब है, वो 30-35 ही किलोमीटर हो, उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि उससे ज़्यादा ना अब अपने बस की भी नहीं है अंधेरे में स्पेशली। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, मैं क्या देख रहा हूँ अपनी आंखों से, हो बर्फ का पूरा एक पैच है जो कि जमा हुआ है, वो देखिए उसके अंदर से होते हुए गुजरेंगे हम लोग। ओ भाई साहब, ये तो मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा है, क्या बात है यार, रुक नहीं सकता सच्ची बता रहा हूँ, नहीं तो मैं रुकता यहाँ पे 110% रुकता। वो देखिए बढ़िया यार बढ़िया, ये तो मैंने आज तक ना देखा था, ना कभी सुना है, ना किसी का वीडियो में देखा है, ना कुछ। भाई साहब वाओ, दिस इज़ अमेजिंग भाई, दिस इज़ अमेजिंग। रास्ता दुर्लभ है पर ये जो सीन अभी आपकी आंखों के सामने है ना भाई, इसने तो दिन बना दिया, पूरी वीडियो बना दी। ये देखिए वाओ, पूरी बर्फ़ का जो झरना है ना वो जमा हुआ है, और यहाँ पे पानी भी गिर रहा है, ये देखिए। ओ भाई साहब, हाँ पानी गिर रहा है, क्या बात है यार, संस्कार वैली मज़ेदार व्यू दिखा रहे हो आप तो, पर यार रास्तों को थोड़ा सही कर लो यार, इतने ख़तरनाक रास्ते, इतने ख़राब रास्ते कैसे हो सकते हैं इतनी खूबसूरत जगहों के। ओ ओ ओ ओ, ये तो वो है क्या, आइस है क्या, पता नहीं यार, मेरे को लगा आइस है, ब्लैक आइस नहीं होती यार। गाइस अगर आने की कोशिश कर रहे हो तो देखते रहना भाई, रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है, दो गाड़ियाँ तो आमने सामने से यहाँ पे किसी भी कीमत पे नहीं एक साथ जा सकती, किसी ना किसी एक को अच्छे तरीके से साइड देनी पड़ेगी, क्योंकि रोड्स बहुत नैरो है, इतनी नैरो है कि NPD 95 ये क्या है पता नहीं क्या लिखा था, इतनी नैरो है कि एक कार और एक बाइक भी शायद आराम से नहीं जा सकती, उसके लिए भी उनको ना अच्छे से मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी, साइड देनी पड़ेगी एक दूसरे को, तब जाके जा पाएंगे। रात के टाइम पे भाई आपका भाई जंस्कार वैली को क्रॉस करते हुए और ये दुर्लभ रास्तों को जूझते हुए जा रहा है टुवार्ड्स पदम फ्रॉम निराक विलेज। अरे वाटर क्रॉसिंग ना मिले भाई रात के टाइम पे, वाटर क्रॉसिंग नहीं करनी अभी अपने को, ये एडवेंचर चाहे कल मिल जाए पर अभी नहीं करना मुझे। भाई जंस्कार रिवर एकदम मस्त, एकदम बहती हुई, लुक एवरी वे एंड एवरी डे, यस थैंक यू भी यारो। अरे कितना बचा है भाई, चलता यारो तब से ख़त्म हो जा भाई रास्ता, अच्छा रास्ता आ जा भाई, पदम पहुंचना है जल्दी से जल्दी,
तीन घंटे का तो एस्टिमेट बताया है, तो मतलब 9:30 के आसपास। आगे तो मुझे रोड पे भी स्नो दिख रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे। आई होप रोड पे ना हो और वाटर क्रॉसिंग ना हो यार, क्योंकि एडवेंचर बस कर लिया जितना करना था, अब नहीं करना ज़्यादा एडवेंचर। और भाई ये क्या है भाई, ये दूर से मुझे लगा कोई बैठा हुआ है, ये वाले पत्थर लेफ्ट वाला। शिट, डरा दिया मुझे। कुछ भी नहीं है यार, बिल्कुल एकदम सुनसान सी जगह है, बस चलते जाओ और कुछ है ही नहीं यार, ना कोई विलेज है, ना कोई चीज़ है, ना कोई चेक पोस्ट है, ना कुछ भी नहीं है भाई। ऐसे रास्ते से जब कोयूल से जब हम मारे थे ना न्योमा की तरफ, तब देखने के लिए मिले थे, और उस टाइम हम 6-7 बाइकर थे तो कोई इशू नहीं था। पर जैसे ओ भाई, जब आप अकेले होते हो ना तो आपको ज़्यादा मन में क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं। पे बर्फ़ जमी हुई है अभी तक, और अभी तक ने पिघली नहीं है, बस बीआर ने रास्ता बना दिया है। इतनी सारी स्नो एरी यहाँ पे रही, वहाँ पे रही, हर जगह स्नो ही स्नो है भाई। और अब मैंने अपनी फॉग लैंप जला लिए हैं, क्योंकि मुझे पता है आगे से कोई आ तो रहा नहीं होगा, आ रहा होगा तो उस टाइम पे बंद कर दूंगा। विजिबिलिटी भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, अपने को दूर दूर से दिखाने लग जाएगा। और ये देखो बहुत सारी जगहों पे ना ऐसे रोड पे काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे अभी स्पेशली ये वाले एरिया में ना जहाँ पे मैं अभी चल रहा हूँ यहाँ पे दिखे है यार बहुत ज़्यादा पत्थर गिरे हुए रास्ते में। जय माता दी मंदिर भी बना हुआ है यहाँ पे, जय माता दी रक्षा करना। शाम के बज गए हैं 7:09, और अंधेरा ऑलमोस्ट बस होने ही वाला है। ये गलत काम हो रहा है कुली, गलत काम हो रहा है ये वाला। और रास्ता तो यही है ना, ये तो बहुत ख़राब है यार। भैया ने 30-35 किलोमीटर बोले थे, 30-35 किलोमीटर नहीं हुए क्या अभी तक? अरे यार ये तो बहुत नीचे जा रहा है इसकी। अबे ये सही रास्ता भी है, इस पे मैं उतर तो जाऊंगा, पर चढ़ना होगा तो भाई, चढ़ना तो इम्पॉसिबल है भाई। GoPro जस्टिस कर दियो भाई, दिखा दियो कितना खतरनाक डिक्लाइन है ये। इस पे लोग चढ़ते, गिर जाता, अभी फिसल गई थी। जितने भी इंक्लाइन है ना दिख भी नहीं रहे हैं, अंधेरा होने वाला है ना, ऑलमोस्ट अंधेरा हो ही गया यार। वाली साइड से चलता हूँ, अगर गिरा भी ना तो रोड पे ही रहूँगा, नीचे नहीं गिरूँगा। यार प्रभु कितना रास्ता बचा है यार, अब तो पहुँचवा दो। ऐसे अंधेरा का तो एडवेंचर मैंने नहीं किया था। और निराक विलेज में ना मैं सोच भी रहा था कि निराक में ही रुक जाता हूँ, पर निराक में रुकने के लिए कुछ था ही नहीं, एक ही घर था यार वहाँ पे, तो मुझे एक ही घर दिखा, तो क्या रुकता वहाँ पे। और उन कार वाले भैया ने बताया कि ज़्यादा दूर नहीं है, 30-35 किलोमीटर है खरा, फिर उसके बाद तो बढ़िया रास्ता है, आप आराम से पहुंच जाओगे। तो यार 30-35 तो नहीं लग रहा, अगर ये 30-35 ख़राब है तो भाई 30-35 इतना होता है क्या यार? ये ज़्यादा ख़राब है इसलिए 30-35 ज़्यादा देर दूर वो लग रहा है। एक लंबा रास्ता है, पता नहीं यार। और आज सुबह से मेरी अपने घर वालों से ना एक बार बात भी नहीं हुई है, जब मैंने फ़ोन किया तो सिग्नल ही नहीं मिल रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने किया होगा तो मेरे सिग्नल नहीं मिल रहे थे। घर वालों से भी बात नहीं हुई है यार, वो भी टेंशन ले रहे होंगे क्योंकि सुबह से फ़ोन पे बात नहीं हुई। हालांकि मैंने सुबह सुबह मैसेज डाल दिया था उनको कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं नो नेटवर्क जोन में जाऊँगा। ये कहाँ जा रहा रास्ता मेरे भाई, ख़त्म करा दो यार भगवान, बस अब नहीं चाहिए मुझे ज़्यादा एडवेंचर, बस हो गया मेरा एडवेंचर। रात के टाइम पे नहीं चाहिए, दिन में होता ना तो मेरे को इतना इशू नहीं होता। हाँ दिन में कोई इशू नहीं है, पर रात के टाइम पे ना ये एडवेंचर अपने को बिल्कुल भी नहीं पसंद। बिना देखे रास्ते है ना, पता ही नहीं कौन सा रास्ता कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे है, क्या नहीं है, कब ऊँचाई आ रही है, कब नीचे आ रही है,
कब वाटरफॉल आ जा रहा है, कब वाटर क्रॉसिंग आ रही है, कुछ नहीं पता। इंक्लाइन डिक्लाइन, पत्थर पड़े हैं, नई पत्थर है, ये देखो। डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। थैंक यू सर, ये मुझे पता है, पर अब अच्छा रास्ता दे दो यार। अब नहीं हो पा रहा, अब बस होगी मेरी ऑफ रोडिंग। वी स्टॉर्म टेस्ट हो गई है, अप्रूव कर दी है मैंने। अब ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ रास्ते जा रहे हैं भाई। यहाँ पे कुछ है, लाइट जली हुई है, कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। यहाँ से ना जंस्कर रिवर को छोड़ के थोड़ा सा ना मैं ऊपर वाली साइड पे आ गया हूँ। अबे यार रास्ता तो ठीक जा रहा हूँ ना यार मैं। वैसे रास्ता तो एक ही है, ना कोई लेफ्ट है ना कोई राइट है। पता नहीं यार, उम्मीद की किरण दिखी थी हल्का सा ना, अब बना हुआ रास्ता आया था, अब फिर दोबारा से वही कच्चा रास्ता आ गया है। अरे यार ये स्ट्रगल काहे नहीं ख़त्म हो रहा रे मेरा आज। चलो जी एक काम करता हूँ, इस ख़राब वाले पैच से निकलता हूँ जूझता हुआ, और फिर कोई अच्छा पैच आता है ना तो वहाँ पर आपको मिलता हूँ और बताता हूँ कि अच्छा पैच कहाँ पर मिलता है। इस फॉग लैम्प्स ने ना काफ़ी हद तक बचाया हुआ है, क्योंकि थोड़ा दूर तक ना दिख जा रहा है रास्ता। हालांकि रास्ता तो ख़राब ही है, देखना क्या ही है यार, पर फिर भी विजिबिलिटी तो थोड़ी मिल रही है ना, दैट इज़ वे बेटर देन नथिंग। ये सब रास्ते हैं, बनाते क्यों नहीं हो भाई इनको। जंस्कार वैली पता चल रहा है भाई, खतरनाक है। जो दूसरों की वीडियो में जंस्कार देखी है ना वैली, वो पता चल रहा है अब मुझे। देखो जी अंधेरा ऑलमोस्ट होने वाला है, बस मुझे अच्छे रास्ते की वेट है। क्या यहाँ से अच्छे रास्ते की शुरुआत है? काश यहीं से अच्छे रास्ते की शुरुआत हो, काश 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 काश। रात का टाइम है, रात के टाइम पे आई वांट नो एडवेंचर भाई, नो एडवेंचर। पर मेरे को लग रहा है ये दोबारा से लेके जा रहा है यार खतरनाक रास्ते की तरफ। अरे यार क्या कर रहा है, ये कहाँ जा रहा है रास्ता। यहाँ पे कोई एक ब्रिज पड़ा है, ब्रिज क्रॉस करके आई होप अच्छा रास्ता आ जाए यार। आई थिंक ये अच्छा रास्ता है। नहीं यार ये भी खराब ही है। देख रहे हो बिल्कुल अंधेरे में आपका भाई ना, अंधेरा चल अकेला चलता हुआ अच्छे रास्ते की तलाश में पदुम की तरफ। बार बार ना उम्मीद आती है कि अच्छा रास्ता शायद आने वाला है, जब इतनी चौड़ी रास्ता आ जाता है ना, पर फिर वो दोबारा से एक छोटे रास्ते की तरफ ले जाता है, विच इज़ नॉट गुड। कहाँ है अच्छा रास्ता भाई, 35 किलोमीटर से तो काफ़ी ऊपर हो गया भाई। कहाँ है अच्छा रास्ता भाई, अभी तक तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो इतना टाइम हो गया ना, रात हो गई, अब तो बस 10 मिनट के अंदर ना, 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा पिच डार्क अंधेरा हो जाएगा, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर मी। मेरी उम्मीद के परे हो चुका है ये अब, क्योंकि मुझे यही उम्मीद थी जब उन्होंने बोला ना 35 किलोमीटर का ख़राब है, तो मुझे लगा चलो ठीक है 35 किलोमीटर तो कर लूँगा मैं उजाले उजाले में, पर ये 35 से बहुत ज़्यादा हो गया और रात होने वाली है अब। टाइम अगर आप स्पीडोमीटर में देखोगे तो 7:21। फॉग लैम्प बहुत साथ दे रहे हैं भाई, बस पदुम आ जाए यार, पदुम जल्दी से आ जाए।
ये देखो रोड पे ना ऊपर से वहां से पत्थर गिरे पड़े बहुत सारे। पहुंच जाऊंगा ना आराम से। सर क्या बात करते हो। चलो हाईवे बढ़िया है ना। Okay, चलो थैंक यू। ओके जी। सो जी बता रहे 1.5 किलोमीटर बाद ना रास्ता सही हो जाएगा एंड देन उसके बाद हाईवे है, हाईवे एकदम 40 किलोमीटर यहाँ से पदुम बचा है। सो चेहरे पे स्माइल आ चुकी है अब मेरे दोबारा से, जो कि बहुत पहले से जा चुकी थी। और जो पीछे से जो भाई लोग आ रहे हैं ना, जिनसे मैंने भी पूछा, इन्होंने ही अपडेट दिया है ये बस एक बार वो जो बढ़िया वाला हाईवे है ना वो एक बार मिल जाए तो उसके बाद तो मज़े ही मज़े। पता नहीं भाई अभी तक समझ भी नहीं आया, कह रहा रास्ता 1.5 किलोमीटर ख़राब है, फिर हाईवे है हाईवे। भाई पता नहीं कौन सा हाईवे है, कहाँ पे हाईवे है, कुछ नहीं पता चल पा रहा भाई मुझे तो। इन लोगों की बातों पे भी यकीन नहीं हो रहा अब तो। कोई कहता है 35 किलोमीटर ख़राब है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। भाई ये देखो 1.5 या 2 किलोमीटर आ गया हूँ मैं अभी तक, मेरे को बढ़िया रास्ता मिल गया। क्या बात है, फाइनली अच्छे रास्ते पे आ गए अब। तो टाइम हो रहा है रात के 8:30 और यहाँ पे रखा हुआ अपना बैग, यहाँ पे रखा हुआ बैग। हाँ मैं पहुँच गया हूँ पदुम, और पदुम में पहुँचने के बाद मैंने यहाँ पे लिया एक रूम एंड यहाँ पे 2 सिंगल बेड है और ये टेबल लगा रखी है, चेयर है, यहाँ पे है हीटर और अलमीरा दे रखी है, रेस्टरूम वॉशरूम जो भी कहना चाहें ये है, इसके साथ साथ यहाँ पे भी हीटर दे रखा है, देख रहे हो आप अच्छा सा है। सो गाइज जो आज की राइड रही है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है। ये सारी बातें ना मैं आपसे कल शेयर करता हूँ क्योंकि अभी मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। अगर आप देखोगे ना ये देखो पूरे शूज़ वूज़ की हालत ख़राब हो रखी है, पूरे कपड़े पूरी जैकेट सब कुछ बहुत गंदा हो रखा है क्योंकि आज मैंने करी है बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग। तो चलो जी गाइज नई वीडियो के अंदर मैं आपसे कल मिलता हूँ और बाकी के जो अपडेट्स हैं ना मैं आपको कल दूंगा। कल हम मनाली पहुँच जाएंगे और फिर उसके बाद दिल्ली। सो इस वाली वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय।